क्या हो रहा है ये? यहाँ पर ये लड़की 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक नाजायज मर्द को चुमिया दे रही है। और इस चौधरी भगत को देखो, ऊपर तो ऐसे देख रहे जैसे आसमान में शक्तिमान उड़ रहा हो। वापिस चुमिया दे रही है। हेलो बजरंगल, ये लड़की 4 बार जेल जा चुकी है क्योंकि पुलिस स्टेशन में फोन करके फायर ब्रिगेड का नंबर मांगती है। ये शीला की जवानी पे नागिन डांस करती है। ये मुंह पे टेलकम पाउडर छिटक के खुद को स्नो व्हाइट बताती है। ये हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उसके सामने स्कूटी पर ही विली करने लगती है। ये बदतमीज। तो दोस्तों, आज हम इसी लीचर लड़की और इसके 25 किलो के बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनका बकचोदी भरा करियर कुछ ही दिनों पहले इंस्टाग्राम पे फलने फूलने लगा है, तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना बिना किसी बकचोदी के। लेट्स स्टार्ट। अरे क्या अच्छा माल है यार, कीप इट अप, कीप इट अप। रोनी, ये माल क्या होता है? रुक बताता हूँ तेरे को। पहले ये बता कि तेरी गर्दन किधर गई? हाँ, पापा ने हथौड़ी मार के अंदर कर दी क्या? माल, माल माने इंसान। एक अच्छे इंसान को एक अच्छा माल बोलते हैं। रोनी, एक बात कहूँ आपसे, आप भी बहुत अच्छे माल हो। माल नहीं, गधे की गांड के घुंघराले बाल हो तुम दोनों। जैसे एल्विस का भाईचारा ऑन टॉप है ना, इनका बकचोदी ऑन टॉप है। ये क्या था भाई? जब टपरी वाला पूछे चाय कैसी बनी है, जब पापा तुमसे पूछे कि एग्जाम कैसा गया, जब घर में पनीर बना हो, जब कोई सेक्सी लड़की पूछे मैं कैसी लग रही हूं। साले नाजायज औरत को सेक्सी बोलता है। ये वही बच्चा है जो स्कूल में टीचर से आई लव यू का मतलब पूछता है। जब भी कोई लड़की बोलती है ना मैं हॉट हूँ, तो उसके ऊपर पानी डाल देता है। 2 कुत्ती और 1 कुत्ते को साथ में लेके आता है, तो फिर उन्हें थ्रीसम करने के लिए फोर्स करता है। इतनी बचकांड हरकत तो आजकल के बच्चे भी नहीं करते। पोल को मार रहे दोनों भी। बेटी अगर पोल सर पे गिर गया ना, तो जो बच्ची कुछ गर्दन ऊपर है वो भी अंदर घुस जाएगी, फिर भूतनी बन के घूमती फिर ना मार्केट में। तुझसे मोहब्बत हुई है। अरे दीदी, इतनी नाराज क्यों है? क्या हुआ दीदी, गुटके का पैकेट गुम हो गया क्या? काटा है भाई का, वो भी एक बार नहीं बार बार काटती रहती है। एक बार तो इस बेचारे को इसने जहर देके भी मारने की कोशिश की। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, इस भिकमंगे को इसी को पटाना है। साले इससे अच्छा जहर पी ले तू। अरे दीदी तो फिर नाराज हो गई। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला सीरियस है। वो एक्चुअली दीदी की शादी हो रही थी, और जब दूल्हे ने वरमाला पहनाने की कोशिश की तो वो पहना ही नहीं सका क्योंकि दीदी को गर्दन ही नहीं है। इसके वजह से शादी कैंसिल हो गई दोस्तों। दीदी की कभी शादी नहीं हो सकती दोस्तों। भगवान भला करे इन हरामजादों का, नहीं उन लोगों का जो इनकी वीडियो पूरी पूरी देख डालते। तो यार